यहाँ रोज खाना बांटने आता है, हजारों लोग से ऊपर के खाना बटता है। हम यहाँ पर तरह तरह का खाना लेते हैं, कभी छोले चावल, राजमा चावल, आलू पूरी, कड़ी चावल और खीर। वो वहाँ हमारा स्कूल है, यहाँ हम पढ़ने आते हैं। तो आप सब बच्चे बराबर स्कूल आ रहे हैं? यस मैम। कहते हैं कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, मगर असल और सार्थक जीवन वही है जो दूसरों के काम आए। और दूसरों में भी वो लोग जो समाज की मुख्य धारा और मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसे ही चेहरों पर मुस्कान बिखेरने का काम कर रही है स्माइल इंडिया ट्रस्ट। अपने अपने क्षेत्रों में महारत और कामयाबी के परचम लहरा चुके तथा एक जैसे विचार रखने वाले कुछ सहकर्मियों और नौजवानों के मन में समाज और देश हित के लिए एक सोच ने जन्म लिया और 2017 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्माइल इंडिया ट्रस्ट की स्थापना की। 2017 में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम लोगों ने जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स थे, लाइकवाइज 12A ATG, ये अप्लाई किया। जस्ट बिकॉज हमने पिछले कुछ सालों में कुछ अच्छा काम किया था, उस बेस पर ये जो सर्टिफिकेट्स थे ये हमें टाइमली ही इशू हो गए। इस दौरान हमने एक मोबिलाइजेशन टीम बनाई, एक ग्रुप बनाया जो कि आसपास के इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, नियर बाय स्लम्स में गया और वहाँ पर लोगों की ज़रूरतें क्या हैं और यूथ का इंटरेस्ट क्या है उसको हमने कैप्चर करने की कोशिश की। मास स्केल पर सर्वे किया गया जिसके लिए काफ़ी वॉलेंटियर्स हमारे साथ एंगेज हुए। जो आसपास यूनिवर्सिटीज़ हैं, जस्ट लाइक अमेठी यूनिवर्सिटी से काफ़ी इंटर्न्स हमारे पास आते हैं, हमने उनको यूटिलाइज़ किया, जिनको हमारा जो आइडिया था, जो मिशन था, वो काफ़ी उस पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि जो हम कार्य करने जा रहे हैं, जो हम यूथ का रिक्वायरमेंट्स कैप्चर कर रहे हैं, डेफिनेटली उससे ऐसा यूथ जो कि कॉलेज नहीं जाता, जो स्कूल ड्रॉप आउट है, या ऐसे परिवार जिनके पास रोज़गार का साधन नहीं है, ऐसे गरीब परिवार जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे, अगर हम उनको अप्रोच करते हैं और उनकी ज़रूरतों को अगर हम कहीं ना कहीं एक कंपाइल कर पाएँ, उनको क्लब कर पाएँ और उस पर कुछ काम किया जा सके, तो उस तरीके से हमने इन चीज़ों को एक रूपरेखा जो है वो बनाई। अपने स्थापना वर्ष से आज तक स्माइल इंडिया ट्रस्ट लाखों चेहरों पर मुस्कान ला चुकी है। स्माइल इंडिया ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य, कंप्यूटर ट्रेनिंग, महिला सशक्तिकरण, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, वृंदावन में विधवा महिलाओं की सेवा, हादसे में जले बच्चों का मुफ्त इलाज जैसे अनेक क्षेत्रों में अपनी सेवाएं पूरे समर्पण के साथ दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप सिंह है और मैं स्माइल इंडिया ट्रस्ट में एज अ इवेंट कोऑर्डिनेटर वर्क करता हूँ। बेसिकली हमारा वर्क होता है कि उन एरिया को आइडेंटिफाई करना जहाँ पर एक्चुअली निडी लोग हैं। समाज में देखा जाए तो सभी लोग निडी होते हैं, हम लोग उन लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जिनके पास ना ही कोई रोज़गार का वर्क होता है और ना ही उनके पास डेली अपने खाने की व्यवस्था कर पाएँ, ऐसा भी उनके पास कुछ वर्क नहीं होता। तो हम लोग बेसिकली उन एरिया में जाते हैं कि जहाँ पर कोई और संस्था नहीं पहुँच पाती है, उन एरियों में जाके हमारा वर्क होता है कि उस एरिया में भी उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो एक्चुअली निडी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हम जहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वहाँ पर 200 फैमिली रहती है, लेकिन 200 फैमिली में हमें ये देखना होता है कि इन 100 फैमिली जिनके घर में कोई ना कोई, जैसे कोई पेंट का काम कर लेता है, कोई सब्जी का काम करता है, लेकिन उन फैमिलीज़ में कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके घर में कोई भी नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसी ऐसी फैमिली हम लोग देखते हैं। जैसे कि एक बच्ची है जो हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई है, स्माइल इंडिया ट्रस्ट ही उनकी पढ़ाई का, एजुकेशन का सब चीज़ें देख रही हैं। हमारा एक स्कूल है सेक्टर 78 में, वहाँ पे वो बच्ची स्टडी कर रही है, उसके घर में ना ही तो उसके फादर है, ना ही उसकी मॉम है, उसकी दादी ही उसकी वो सभी देखभाल कर रही है और उसकी दादी की जो एज है वो 75 ईयर की है।
बहुत बार हमें ऐसे ताजुब होता है कि आगे चल के इस बच्ची का फ्यूचर क्या होगा। स्माइल इंडिया ट्रस्ट गरीब और मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। दूर दराज से आया मजदूर वर्ग विभिन्न मजबूरियों के कारण अपने बच्चों को स्कूल तक भेजने का साहस नहीं जुटा पाता। ऐसे बच्चों के भविष्य को उड़ान योजना के अंतर्गत संजोने और सवारने का काम कर रहा है स्माइल इंडिया ट्रस्ट। जो डाटा हम लोगों ने कंपाइल किया, उस डाटा के बिहाफ पर हम लोगों ने ऐसे प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए जो कि उन दिक्कतों का सॉल्यूशन लेके आ सके। यूथ का इंटरेस्ट हमने कैप्चर किया कि वो क्या करना चाहते हैं, जैसे कि आज की डेट में एक गरीब परिवार अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल में नहीं भेज पाता है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। एक ऐसा बच्चा जिसके पास कोई विज़न नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, वो बच्चा 12वीं के बाद या कॉलेज अगर नहीं जा पा रहा है तो वो अपने लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ पाएगा, उसको कौन गाइड करेगा। तो ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन हम लेकर आए और हमने अपने प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया। हमने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए, हम लोगों ने एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किए, हम लोगों ने वुमेन हाइजीन प्रोग्राम स्टार्ट किए। और ऐसा नहीं कि केवल प्रोग्राम स्टार्ट किए, हमने उनको एक भव्य रूप दिया, हमने उन प्रोजेक्ट्स को नाम दिया जिससे कि उन प्रोजेक्ट्स की एक पहचान बन सके। स्माइल इंडिया की टीम ऐसे बच्चों को उनके घर से लाकर SIT रिहैब सेंटर में शिक्षा प्रदान कर रही है, जहां प्रशिक्षित टीचर्स द्वारा उनके उज्जवल भविष्य की नींव रखी जा रही है। बच्चों को लाना ले जाना, जैसे जिनके मम्मी पापा भेजते नहीं है उन्हें समझाना पड़ता है, और उन्हें लेने भी जाती हूँ और छोड़ने भी जाती हूँ, और उनकी जिम्मेदारी मेरा पहला काम है। और जैसे जिनके मतलब आजकल ज़माना ऐसा है जो अपनी बच्चियों को भेजना नहीं चाह रहे हैं ना, तो उन्हें समझा के और लड़कियों को लेके आती हूँ और छोड़ने भी जाती हूँ। और मतलब मैंने भी कभी कहीं काम नहीं किया था, लेकिन पहले लगता था कि पता ना कैसा लगे, लेकिन स्माइल इंडिया ट्रस्ट में सारे लोग मतलब स्टाफ के सारे लोग इतने अच्छे हैं, मुझे बिल्कुल अपना ऐसा लग रहा जैसे घर है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। संस्था प्रतिदिन 70 बच्चों को डबल शिफ्ट में शिक्षा प्रदान कर रही है। इसके अलावा झुग्गी में रहने वाले बच्चों के लिए वहीं अस्थाई ढांचा बनाकर प्रशिक्षित टीचर द्वारा बेसिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। प्रोजेक्ट गरिमा, किसी भी समाज की तरक्की और खुशहाली इस बात पर निर्भर करती है कि उस समाज में महिलाएं कितनी उन्नत और खुशहाल हैं। स्माइल इंडिया ट्रस्ट ने महिलाओं को गरिमामय जीवन प्रदान करने के लिए गरिमा प्रोजेक्ट की शुरुआत की। तो जब इन महिलाओं से हमने बात की तो हमें लगा कि इन महिलाओं के लिए हम कुछ ऐसा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आए जो इन महिलाओं में सशक्तिकरण लेकर आए, एक वुमेन एम्पावरमेंट हम जनरेट कर पाएँ और इन लेडीज़ को काम दे पाएँ। उस दौरान हमने लोगों से बात की, कंपनी से बात की, और हमें सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, तो हमने एक सिलाई कढ़ाई केंद्र की स्थापना की, जहां पर हमने ये अपना एक कमिटमेंट और टारगेट लिया कि साल के अंदर हमें 80 लेडीज़ को, 80 फीमेल्स को कहीं ना कहीं प्रशिक्षण देना है और उन्हें इस लायक बनाना है कि वो अपना रोजगार खुद कमा सकें। गरीब और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को गरिमा प्रोजेक्ट के माध्यम से सिलाई का काम प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा मुफ्त सिखाया जा रहा है। मैं स्माइल इंडिया ट्रस्ट को धन्यवाद करती हूँ कि इस स्माइल इंडिया ट्रस्ट की वजह से इन्हें रोजगार मिला है और ये आज अपने घर पे बैठ के काम कर रही हैं, और जो ये काम करती थी बाहर जाके दूसरों के घर पे काम करती थी, तो आज इन्हें अपने आप घर पे रोजगार मिला है, जिससे इन्हें अपने आप में एक भरोसा भी आया है और ये बड़ी खुश हैं और आके बताती हैं कि आज हम अपना काम कर रहे हैं। दीदी, अब हमें किसी के घर काम करने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अलग अलग बैचों में दो ट्रेनर महिलाओं को कटिंग और विभिन्न परिधानों की सिलाई सिखाई जा रही है। ये ट्रेनिंग लेने वाली महिलाएं खुद को कुशल और आत्मविश्वास से भरपूर पाती हैं, जिसका सार्थक असर उनके बच्चों और पारिवारिक जीवन पर भी दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर स्माइल इंडिया ट्रस्ट में सिलाई सीखने आती हूँ और हमें यहाँ पे बहुत कुछ सिखाया जाता है। यहाँ पर मैम हैं, सर हैं, हमें बहुत अच्छे से
यहाँ पर सिखाया जाता है और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। हमारे पास इतना बजट नहीं होता है कि हम कहीं और पैसे दे के सीख पाएँ। यहाँ पर निःशुल्क सिखाया जाता है सिलाई, और यहाँ पर बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। कोई टाइमिंग का भी नहीं है कि हमें इस समय आना है, इस समय नहीं आना, हम किसी भी टाइम आ सकते हैं। और यहाँ पे मैम लोग, ये सब लोग बहुत अच्छे से सिखाते हैं। तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ स्माइल इंडिया ट्रस्ट को कि हमें इस काबिल बनाया कि हम आगे जाकर कुछ कर पाएँ। स्माइल इंडिया ट्रस्ट में मैं सिलाई सीखती हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है, अभी मैं और सीख रही हूँ सिलाई में। और मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी का माइंड का दिमाग का वो है थोड़ा, मतलब यहाँ से मैं कोई पैसा नहीं लेते, फ्री में सिखाते हैं। मैं चाहती हूँ अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने परिवार का सहारा बनूँ। इसमें इंडिया की तरफ से बहुत और आभारी हूँ, थैंक यू। यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है और पिछले 6 महीने से मेरा कोर्स था कंप्लीट हो चुका है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने यहाँ पे आके सिलाई सीखी और बहुत कुछ सीखा है। और यहाँ पे बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। पहले मैं सोसाइटी में काम करने जाती थी, अब मुझे वो नहीं करना पड़ता है, मैं अपने घर में सिलाई करती हूँ और बहुत खुश भी रहती हूँ कि मेरा अपना हुनर है। इसलिए मैं स्माइल इंडिया ट्रस्ट को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अब तक लगभग 80 महिलाएं प्रशिक्षण ले चुकी हैं और अपना काम शुरू कर चुकी हैं। मां धाम प्रोजेक्ट, जहां नारी की पूजा होती है वहीं भगवान निवास करते हैं। वृंदावन में गिल्ड फॉर सर्विस द्वारा संचालित मां धाम, जो कि वृद्ध एवं बेसहारा विधवा महिलाओं का आश्रय सदन है। वहां पर स्माइल इंडिया ट्रस्ट 80 महिलाओं को हर महीने भोजन के लिए खाद्य सामग्री का समर्थन कर रहा है, एवं जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए गिल्ड फॉर सर्विस के साथ प्रतिबद्ध है। जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है मां धाम, और इस प्रोजेक्ट में हमने उन लेडीज को डेली केयर सपोर्ट प्रोवाइड करना शुरू किया है, जिसमें कि हम उनको मिड डे मील हो गया, उसके अलावा मेडिकल असिस्टेंस हो गया, और अगर सहायता की जरूरत पड़ती है वो प्रोवाइड करते हैं। और इससे कहीं ना कहीं सुकून मिलता है। ऐसे माताएं बहनें जो जिनका कोई था फिलहाल, जिनका हम कह सकते हैं कि कोई अभी सहारा नहीं है जिनका, तो इन माताओं बहनों को हम एक तरीके से जो मदद करते हैं, जिस तरीके से हमें प्यार मिलता है, केयर मिलती है, हम भी उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, तो वो एक रिश्ता बना हुआ है उनसे। और मैं गुजारिश करूँगा, आपको भी कभी मौका लगे तो आप भी ज़रूर जाएँ। वृंदावन तो लोग जाते रहते हैं, तो वृंदावन में मां धाम है, वहाँ जाएँ, इन विडोज जो ओल्ड एज लेडीज हैं इनसे मिलें और देखें इनके चेहरे पर किस तरीके से खुशी आती है आप लोगों से मिलकर। मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग, डिजिटल मीडिया और टेक्नोलॉजी के इस दौर में कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पे मैं बात करूँ कि बच्चे को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो कोविड के टाइम से मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, उस टाइम के बाद हमें चाहिए, हम लोग डिसाइड किए कि नहीं, हमें बच्चों को यहाँ पे रोज़गार देना चाहिए, पढ़ा के रोज़गार देना चाहिए। फिर हमारी टीम ने क्या कि यहाँ पे स्माइल इंडिया ट्रस्ट के साथ बहुत सारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, और यहाँ की टीम सर्वे की, हम लोग सर्वे किए एरियाज़ में जाके, बहुत सारे चैलेंजेज हैं हमारे साथ। फिर यहाँ पे लोगों को बताया कि अभी पढ़ाई करके कंप्यूटर सीखना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, और कंप्यूटर सीखने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया कि बच्चों को एडमिशन लिया। एडमिशन स्टार्ट करने के बाद, लेने के बाद बच्चों को हमने पढ़ाना स्टार्ट किया, राइट। उसके बाद पढ़ाने के बाद हमारा मेन टारगेट है कि बच्चों को पढ़ाए और इनको कहीं ना कहीं इनको हम रोज़गार देने में सफल रहें, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा सीखना सबको ज़रूरी है, इनको हम आगे आने वाले टाइम में इनको हम रास्ता दिखाना चाहते हैं, ताकि बच्चे हमारे सफल हो जाएं, कहीं ना कहीं इनको रोजगार मिले और ये सक्सेस हो जाए। इसी उद्देश्य के तहत अनुभवी कंप्यूटर टीचर द्वारा हर उम्र के बच्चों और युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद जॉब प्लेसमेंट की व्यवस्था भी स्माइल इंडिया ट्रस्ट करता रहा है। स्माइल इंडिया ट्रस्ट से मैंने अपना कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट किया है। मैं यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस लेती थी, जो कि हमारे क्लास टीचर नागेंद्र सर थे। मुझे स्माइल इंडिया ट्रस्ट के बारे में, हमारे एरिया में स्माइल इंडिया ट्रस्ट की टीम आई थी, जिसके बारे में मुझे पता चला।
मुझे पता, उसमें हमें पता चला कि यहाँ पे इस एरिया में क्लासेस चलती हैं, बहुत सारी क्लास चलती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। बड़ी बात है कि इस टाइम पे मतलब कोई अगर क्लास ले रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा है। तो मैंने जब मेरा 2 मंथ का कोर्स हो गया था, मुझे उसी के बाद नागेंद्र सर ने, जो कि हमारे कंप्यूटर क्लास टीचर हैं, उन्होंने मेरी जॉब लगवाई थी, जहाँ पे मेरा इंटरव्यू में स्कूल में मेरी जॉब लग चुकी है। मुझे स्माइल इंडिया ट्रस्ट के बारे में पता चला कि यहाँ पे कंप्यूटर फ्री में सिखाते हैं। मेरी फैमिली में 6 मेंबर हैं, हम 4 भाई बहन हैं और मेरे पापा हैं जो कि चल नहीं सकते, इसलिए थोड़ा पैसों की दिक्कत होने की वजह से मैंने यहाँ पे कंप्यूटर फ्री में सीखा और यहाँ पे एडवांस में भी सिखाते हैं। बाहर कहीं भी जॉब करने जा सकती हूँ या पा सकती हूँ आसानी से, अच्छे से सिखाया, इसलिए स्माइल इंडिया ट्रस्ट को धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरी बच्ची यहाँ पे कंप्यूटर का कोर्स करी है, टीचर के थ्रू जो भी नॉलेज मिला, अच्छा नॉलेज मिला और यहाँ का वातावरण भी ठीक है, बच्चों को अच्छा वो मिलता है और अपना कंप्यूटर का काम जो भी करना होता है, कुछ ऑफिशियल वर्क वगैरह भी कर लेती है घर पे और बाकी सब ठीक है। गत वर्षों में SIT लगभग 75 नवयुवकों और युवतियों को इस प्रोग्राम के तहत आजीविका प्रदान कर चुका है। फूड डिस्ट्रीब्यूशन, मील ऑफ हैप्पीनेस, पौष्टिक और अच्छा खाना हर व्यक्ति का हक है। इसके लिए स्माइल इंडिया ट्रस्ट प्रतिदिन ड्राइव चलाती है। हम लोगों का और भी वर्क रहता है, जैसे कि हम लोग उन लोगों को भी और देखते हैं जो लोग अपना फुटपाथ या इन सब जगहों पर रहते हैं और उनके पास खाने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, तो जैसे भी हमारे पास सपोर्ट आता है हम उन लोगों तक भी फूड वगैरह डेली पहुंचाते हैं। और स्माइल इंडिया ट्रस्ट की टीम के द्वारा नोएडा व दिल्ली की विभिन्न लोकेशंस पर जहां गरीब और मजदूर वर्ग रहता है, वहां पहुंचकर बच्चों को पौष्टिक आहार वितरित किया जाता है। यहां रोज खाना बंटने आता है, हजारों लोग से ऊपर के खाना बंटता है, बच्चे रोज खाना लेते हैं, एक टाइम के खाना हम लोग के बचत होता है, इससे हम कुछ आगे बच्चे के स्कूल के पढ़ाई की फीस दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। खाना खाने के बाद बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखते ही बनती है। कोरोना महामारी के दौरान भी स्माइल इंडिया ट्रस्ट ने आश्रित लोगों को खाना पहुंचाने में भरपूर मदद की थी, जो अब लगातार जारी है और अब तक हर साल 4 लाख बच्चे इस प्रोग्राम से लाभान्वित हो चुके हैं। हेल्थ कैंप्स का आयोजन। स्माइल इंडिया ट्रस्ट की स्थापना के कुछ सालों बाद ही कोरोना महामारी ने देश में दस्तक दी, जिसमें स्माइल इंडिया ट्रस्ट ने युद्ध स्तर पर जरूरतमंदों की मदद की और आज भी सालों से जगह जगह हेल्थ कैंप्स लगाकर लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया जा रहा है। हम लोग गांव में जाते हैं जो बहुत ही पिछड़े गांव हैं, ग्रेटर नोएडा में आज भी ऐसे गांव हैं नोएडा में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पा रही है, तो हम लोग वहां पे जाकर उन लोगों को कैंप्स करा देना, ताकि आप भी जानते हैं अगर बत्ती नहीं होगी तो काफ़ी हाइजेनिक की वहाँ प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग उनके लिए हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इसके अलावा जो भी हमारी तरफ से सपोर्ट हो पाता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो हम उन्हें मुहैया कराने की पूरी हमारी कोशिश रहती है। इन कैंप्स में डॉक्टर की सलाह से लेकर हर जांच की मुफ्त व्यवस्था स्माइल इंडिया ट्रस्ट करता है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य कैंप्स का लाभ पहुंच चुका है। हमारे पास बहुत सी ऐसी रिक्वेस्ट आती हैं जहां पर बच्चे जल जाते हैं, पानी में खेलते हुए जल गए, गर्म पानी से जल गए, गर्म चाय से जल गए, किसी करंट से जल गए, ऐसे बच्चों का हम विशेष रूप से कोशिश करते हैं कि उनकी फैमिली को सपोर्ट कर पाएँ। वी प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस टू सच काइंड ऑफ चिल्ड्रन और टिल डेट वी हैव सपोर्टेड मोर देन 500 किड्स। इनका इलाज बर्नड केसेस में अलग अलग हॉस्पिटल्स में होता है और कहीं ना कहीं लोगों को पता लगता है कि हमारी संस्था ऐसे बच्चों को मदद करती रहती है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी रिक्वेस्ट लेकर हमारे पास आते हैं।
हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसके बाद फिर एक डिसीज़न लिया जाता है हमारे मेंबर्स द्वारा कि हम इस परिवार को किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें लोगों के सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इमरजेंसी केसेस होते हैं और इन केसेस को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है इन बच्चों को। और हमारी कोशिश यही रहती है कि जितने हो सके हम उतने बच्चों को एक ट्रीटमेंट जो है वो दे पाएँ। इसके अलावा मेडिकल असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत 985 लोगों को विभिन्न बीमारियों के इलाज और खासकर हादसों में जलने वालों की मुफ्त सहायता स्माइल इंडिया ट्रस्ट कर चुका है और ये सेवा लगातार जारी है। कंबल व क्लॉथ वितरण, खाने, प्रशिक्षण और पढ़ाई की जिम्मेदारियों के साथ साथ गरीब और मजदूर वर्ग के ओढ़ने और पहनने की जिम्मेदारी भी स्माइल इंडिया ट्रस्ट लगातार उठाता आ रहा है। सर्दियों में कंबल वितरण ड्राइव और अन्य मौसमों में जरूरतमंदों को जरूरत के कपड़े वितरित करता है। इन सबके अलावा स्पेशल ड्राइव चलाकर पिछले 5 सालों में लगभग 2.5 लाख से अधिक लोगों को हर साल स्माइल इंडिया ट्रस्ट लाभान्वित कर चुका है और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। यह संस्था स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है और जो कि मेरा बहुत ही लोकप्रिय विषय रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य के सब्जेक्ट पर काम करना। मैं शुरू से चाहता था एक एनजीओ में एज ए वर्कर की तरह वर्क करना, जो मुझे अपॉर्चुनिटी स्माइल इंडिया ट्रस्ट एनजीओ ने दिया। मैंने देखा जिन लोगों की ज़रूरतें होती हैं वो यह एनजीओ पूरा करती है, चाहे वह खाद्य के रूप में हुआ, चाहे वह वस्त्र के रूप में हुआ। उन लोगों के लिए भी वर्क करती है जो स्लम एरिया में होते हैं, जो कि मेडिकल लाइन से रिलेटेड, जैसे हाइजीन आपका एक सब्जेक्ट होता है, उससे रिलेटेड उन लोगों को नहीं पता होता है, तो उसके विषय में भी यह अवेयर करती है। यह स्कूल्स में भी काम करती है, जो कि बहुत ही अच्छा है और इस संस्था के उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। स्माइल इंडिया ट्रस्ट के अपने आंगन में बच्चों को बेहतरीन माहौल और लर्निंग के लिए दीवारों को सुसज्जित किया हुआ है। उनको पढ़ाई के साथ साथ खेल, मेलजोल, बच्चों के जन्मदिन का सेलिब्रेशन, सभी धार्मिक और राष्ट्रीय त्योहारों को बच्चों के साथ मनाना, पेंटिंग और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आयोजित करना, जो आजकल के नॉलेज जो चल रही है जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में भी बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो कि नहीं बता पाते हैं स्टूडेंट को। तो हमारा बेसिकली ये वर्क रहता है कि हम ऐसे स्कूल आइडेंटिफाई करें जिनको हम आज की जनरेशन से जोड़ पाएँ। इस तरीके से हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, उनको वर्चुअल सेशन कंडक्ट कराते हैं कि वो लोग अपनी स्टडी को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे सुधार सकते हैं। बच्चों को घूमने के लिए बाहर ले जाना व अन्य कल्चरल कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर होता रहता है, जिससे बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद मिलती है। स्माइल इंडिया ट्रस्ट मेरा ज्वाइन करने का एक ही मकसद है। एक्चुअली मैं बचपन से ही एज अ सोशल वर्क काम करना चाहता था और मेरे को एक फ्रेंड के थ्रू मालूम चला कि स्माइल इंडिया ट्रस्ट इस तरीके से वर्क कर रही है। और भी एनजीओ में गया लेकिन एक अंदर से ट्रस्ट नहीं आ पाया। और स्माइल इंडिया ट्रस्ट के आप बिलीव नहीं करेंगे कि यहाँ का इतना अच्छा माहौल है कि कोई डाउट का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि ये लोग बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखाते हैं। कोई बीच में ऐसा नहीं है कि आपको डाउटफुल कोई चीज़ रहेगी। आपने अगर कोई चीज़ डोनेट करी तो ये लोग डायरेक्ट डोनेट करते हैं, उसमें ये नहीं कि स्टोर हो जाएगा ऐसा वैसा, बहुत चीज़ें चलती हैं। काफ़ी और एनजीओ में भी गया, वहाँ पर मुझे एक समझ में नहीं है, मतलब अंदर से एक होता है ना आवाज़ आती है कि हाँ यार कुछ यहाँ ठीक नहीं लगा, पर यहाँ पर जब मैं आया तो मेरे को यहाँ पर ऐसा कुछ डाउट ही नहीं लगा। मुझे लगा यही सही जगह है जहाँ मुझे होना चाहिए था। और इस चीज़ के लिए मैं स्माइल इंडिया ट्रस्ट का भी बहुत थैंकफुल हूँ कि इन लोगों ने मुझे अपने से जुड़ने का मौका दिया और आज मैं इनके साथ समाज के लिए और बेहतर काम कर पा रहा हूँ। आशा करते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही समाज के लिए और बेहतर काम कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक व्यक्ति की तरक्की या विकास विकास नहीं कहा जा सकता जब पूरे समाज और कम्युनिटी में सार्थक बदलाव आता है, तो वो देश और समाज के हित में प्रभावी होता है। इसी सोच को लेकर बच्चों और युवाओं के बीच कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज
और लर्निंग कैंप्स लगाए जाते हैं, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप, मार्शल आर्ट व जूडो कराटे की क्लासेस, पौधारोपण, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्थ कैंप्स व अन्य प्रकार के मेडिकल कैंप लगाकर समाज और उनके लोगों को सुदृढ़ करने का काम स्माइल इंडिया ट्रस्ट कर रहा है। We as a Smile India Trust would like to thank and are grateful to the supporters, to the volunteers, to the donors who are helping us at each and every step. उन लोगों को हम पर भरोसा है और हमारी पूरी कोशिश है कि उनके भरोसे के साथ हम आगे बढ़ें और जो भी हम समाज के बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं उसको हम करते रहें निरंतरता के साथ। और हमारी यही उम्मीद है, यही कोशिश है कि जो सहयोग हमें मिल रहा है वो हमें आगे मिलता रहे। धन्यवाद। समाज के उत्थान के लिए किए जा रहे स्माइल इंडिया ट्रस्ट के कार्यों को समय समय पर निजी और सरकारी तौर पर सराहा भी जाता रहा है और सरकार द्वारा विभिन्न राजनीतिक मंचों पर पुरस्कृत किया गया है, जिसमें मुख्य तौर पर गौरव सम्मान अवार्ड, दिल्ली रत्न अवार्ड, यूथ आइकॉन अवार्ड, कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली द्वारा बेस्ट एनजीओ ऑफ द ईयर 2022 एंड 2023 प्रदान किया गया। स्माइल इंडिया ट्रस्ट अपने चाहने वालों और शुभ चिंतकों से अपेक्षा रखती है कि वो उनके भरोसे पर लगातार खरा उतरने का काम लगातार करती रहेगी। आने वाले सालों में ट्रस्ट का दायरा और बढ़ेगा, जिससे और भी ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। हम आपके सहयोग, भरोसे और विश्वास के हमेशा ऋणी रहेंगे। धन्यवाद।